हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सी ट्रेडर्स में। दोस्तों, कल के जो लेवल्स थे हमारे सारे एग्जैक्ट मैच किए हुए हैं। कल मैंने आपको बोला था, हमारा वीडियो देख लीजिएगा नर्सी ट्रेडर्स बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन में, कि मैंने बोला था जब ये स्टॉक 34,700 के नीचे निकलता है, 34,700 के नीचे निकलता है तो इस स्टॉक के अंदर कल अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जो 34,000 पहला 600 था, फिर 34,500, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि 34,500 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर 34,480 तक देखने को मिलेगा। पर और उसके बाद एक सबसे लास्ट जो मैंने कहा था 34,100 से लेकर 34,120 और 160 तक के टारगेट के लिए, इसे मैं तीन दिन से बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो कर रहा हूँ उसके अंदर आप देखिएगा शुरू से अंत तक, इसके ब्रॉड रेंज और नियरेस्ट रेंज की बात हम किए हुए हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का अभी भी वही रेंज बन गया है कि डाउन साइड में इसका 34,100 और 34,200, ठीक है, 34,000 और 34,100 इसका सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, 34,100 और 34,000 इसका सपोर्ट बन गया है। जिस दिन इस दोनों जब भी बाउंस बैक अगर इस स्टॉक को करना होगा बैंक निफ्टी को, तो 34,000 से अंतिम वो गिरने के बाद 34,000 से बाउंस बैक कर जाएगा। ये दोनों 34,100 और 34,000 ये एक ऐसा रेंज बन चुका है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर 34,000 को ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे साइड में, तो यकीन मानिए उस दिन सेम डे ही 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बात रही, अब तो डाउनफॉल जिस दिन आएगा उस दिन की बात करेंगे, पर अभी तो नहीं आ रहा है मार्केट में, तो हम बात करते हैं आगे अब क्या हो सकता है। देखिए, मैं कल का जो प्रिडिक्शन, अभी टाइम जोन जो देखेंगे आप यहाँ पे, तो जो मैंने बोला था कि कल ये रहा 9:45, और उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ उसके बाद से लगातार गिरते हुए लगातार यहाँ पे आ गया 34,117 तक का लो लगाया। उसके बाद जो हमारा ये कल का यही तीनों एरो कैंडल बना हुआ है, अभी तक मैंने छेड़ा भी नहीं है इस कैंडल को, 34,700 के नीचे मैंने सेल बोला था। उसके बाद से देखिएगा तो इस स्टॉक ने फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, फिर देखिए एग्जैक्ट उसी कैंडल के पास ये जाकर ये सपोर्ट ले लिया, फिर उसके बाद ये देखिए फिर उसकी कैंडल के पास ये जाकर फिर से सपोर्ट ले लिया। ये एक तरह से सपोर्ट का काम कर गया है, ये आप यहाँ पे ये देख सकते हो 34,573 इसका सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है, 34,573 इसका सपोर्ट जोन, 34,573 इसका सपोर्ट बना हुआ है, देख सकते हो आप। कल का यही तीन कैंडल बना हुआ था, मैंने आपको यही कैंडल आपको कल बना के बताया भी था, और कल का जो ट्रेडिंग रेंज आप देखोगे तो कल इसी टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया था, ये टाइम हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था। उसके बाद वो कुछ ही दिन में करीबन 11 बजे तक ये स्टॉक के अंदर इतना डाउनफॉल देखने को मिला करीबन 1.5 घंटे के अंदर, कि ये लगातार ये लोअर सर्किट को लगाया है इसमें। तो उसके बाद से इसी मैंने कल के ही जो कैंडल ड्रॉ है अगर उसी को देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर फिर ये डाउनफॉल आने के बाद फिर उसके बाद रिटेस्टमेंट हुआ, फिर उसके बाद अपसाइड में गया, और फिर ये देखिएगा तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ 34,573, फिर उसके बाद 34,573 का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं कल का क्या अपना रेंज रहेगा, कल ओवरऑल रेंज मेरा पॉजिटिव ही है बैंक निफ्टी के अंदर, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, भले ही 20 से 200 पॉइंट या 150 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हो, पर कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव में ही बंद हो सकता है। पहली बात, क्योंकि हमेशा से अभी तक का जितना भी देखा गया वीकली जब भी मंथली एक्सपायरी होता है उस दिन पॉजिटिव ही मार्केट्स बंद होते हैं, पिछले 3 वीक का क्लोजिंग देखा जाए तो इस तरह से हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मंथली एक्सपायरी हमेशा पॉजिटिव में देखा गया है पिछले 3-4 मंथ का, तो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी मंथली एक्सपायरी वो पॉजिटिव ही होगा। चलिए, तो रेंज अपना एक सपोर्ट जो बन चुका है यहाँ पे, आप सपोर्ट देखोगे तो 34,573 का सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ही बोलते रहते हैं, तो ये 34,573 इसका क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बन चुका है।
अब 34,573 ये रेजिस्टेंस आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, कल का ही मेरा ड्रॉ किया हुआ है। 34,573 को अगर ब्रेक करता है कल तो ये आप दूसरा का लेवल, जो अपना दूसरा लेवल है 34,720 तक ये जाएगा, ठीक है। पहला 34,720 तक जाएगा अगर ये कल ब्रेक किया तो, ये वाला रेंज, जो रेंज ये वाला जो ट्रेड किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है, इसका जो रेंज है 34,720 कह सकते हो आप। देखो 34,720 या 34,700 कह देते हो, फिर उसके बाद ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये 34,900 तक के करीब में जाता हुआ लग सकता है। 34,900 तक का रेंज हमें लग रहा है। अगर और भी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी फेड की एक न्यूज आने वाली है, अगर मार्केट को अगर सपोर्ट किया तो ये 35,000 को भी टच कर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट को 35,000 को भी टच कर जाएगा, मगर 35,100 और 35,200 के करीब में रेजिस्टेंस है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर सेम डे ही 200 से 300 पॉइंट फिर मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ब्रॉडर रेंज है, पर बात वही है इस स्टॉक के अंदर, जो आपको रेंज मैंने बता दिया हूँ, रेंज अगर ऊपर निकलता है 34,573, ये अपना रेंज बन चुका है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख सकते हो। 34,573 के अब निकलता है तो आप 34,720 के लिए आप जा सकते हो, पहला टारगेट है। 34,900 के लिए दूसरा टारगेट, और फिर उसके बाद 35,100 के लिए आप जा सकते हो, लास्ट अपना 35,000। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, 35,200 एक रेजिस्टेंस है, उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 35,350 तक जा सकता है। ये हमारा ये बहुत फार अवे टारगेट है, इतना मोमेंटम 800-900 पॉइंट नहीं देखने को मिलता, मगर 500 पॉइंट इसके लिए मोमेंटम बड़ी बात नहीं है। तो अगर 500 पॉइंट अगर देता भी है तो आप इसके अंदर 35,100 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर इस स्टॉक के अंदर मार्केट ने फेड की आउटकम्स निगेटिव आया तो फिर अगर इसके अंदर डाउनफॉल होता है तो फिर वही रेंज आके बैठ जाता है, 34,100 और 34,000, ये दोनों का रेंज यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है हमें। 34,100 को ब्रेक कर दिया तो फिर 34,000 का सपोर्ट मिलेगा, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर सेम डे ही 200 से पॉइंट तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर फिर से अगर बीच में और भी, जैसे कि आप कहोगे कि 400 पॉइंट का है उसके बाद हम क्या करें, तो फिर ये यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक सपोर्ट जो क्रिएट होके दिख रहा है मुझे 34,000, यहाँ पे 34,360 के करीब है, 34,340 के करीब में ये यहाँ पे एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस है। अगर 35,500 के ब्रेक कर 34,500 को ब्रेक करता है तो 34,340 तक आप उम्मीद लगा सकते हो कि यहाँ तक आ सकता है ये स्टॉक। 34,340 के बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो कहाँ आएगा, तो फिर 34,200 के करीब, फिर 200 को भी ब्रेक किया तो 34,000 और 34,100 का रेंज अपना बना हुआ है। अगर 34,000 को एक सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है, उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लेगा, बाकी ओवरऑल यही रेंज है, आपको रेंज हमने बता दिया है। आपको एग्जैक्ट जो कल का जो चार्ट कैंडल हमारा ड्रॉ किया गया है, एग्जैक्ट वही कैंडल फॉलो कर किया है मार्केट ने, एकदम से वही फॉलो किया गया है। तो आप भी देख सकते हो कल अगर इस स्टॉक के अंदर अगर गिरावट देखता है तो ये स्टॉक 34,350 के लेवल है पहला, अगर 34,500 को ब्रेक करता है 34,500 को तो डाउनफॉल में आइएगा, 34,350-60 के लिए आइएगा, फिर उसको भी ब्रेक करता है तो 34,250, फिर 34,100 के लिए आप आ सकते हो, अपसाइड में 35,100 के लास्ट हमारा रेंज है। 34,574 सपोर्ट है। अगर इसको गैप अप भी ओपनिंग होता है तो आप ओपनिंग के साथ ही ट्रेड कर सकते हो और आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कल 34,700 के कॉल ऑप्शन को अगर अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखते हो, 34,700 का कॉल ऑप्शन आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। अगर पुट राइटिंग करना है तो दोनों के पुट राइटिंग, चलिए उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर मार्केट को अगर इसको जो सपोर्ट करेगा कल के दिन में, बैंक निफ्टी को जो सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट कर सकता है वो स्टॉक है एक्सिस बैंक।
आज के एक्सिस बैंक का ADRs ग्लोबल मार्केट्स में देखिएगा, एक्सिस बैंक के ADRs तो आज पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं एक्सिस बैंक के ADRs, तो कल एक्सिस बैंक पॉजिटिव मतलब मार्केट के अंदर दिखा सकता है। तो आप इंट्राडे के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगर बढ़ता है तो आप NH बैंक निफ्टी को भी एक अपर साइड में ले जा सकता है। बैंक निफ्टी के साथ साथ HDFC बैंक को भी रखिएगा और कोटक महिंद्रा बैंक को भी रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के करीबन 80-90 पॉइंट गिरावट देखने को मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि कल थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा। जो कल रिकवरी होगा वही कल बैंक निफ्टी को एक अच्छा मोमेंटम के साथ देखने को मिल सकता है। इंडसेंस बैंक भी सपोर्ट कर सकता है। तो तीन बैंकिंग को आप मेर कोर तीन बैंकिंग को रखिएगा, चार जैसे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और साथ में ही आप एक स्टॉक रखिएगा जो इंडसेंस बैंक। इन चारों को रख लेते हैं तो इसके चारों में अगर इस मोमेंटम को वो दिखता है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करोगे। चारों अगर स्टॉक पॉजिटिव हैं तो आप बेहिजक बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर चारों में पॉजिटिव है, ग्रीन साइड में चारों स्टॉक पॉजिटिव है, तो आप बेहिजक कॉल ऑप्शन को बाई कीजिएगा, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही है। बाकी एक और चीज़ को मैं ग्राफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो PCR 0.67, PCR 1 से बहुत कम है। तो आप ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट, PCR मतलब पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो मतलब कि जितना कॉल रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही पुट कम होगा, मतलब PCR की वैल्यू कम होगी। जैसे पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो PCR इस तरह से आप कह सकते हो, जितनी कॉल की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही पुट का मतलब ये दोनों का वैल्यू कम आएगा, जितना ये ज़्यादा होगा वो इतना ही कम आएगा इसके आउटपुट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 0.067 आया है, तो इस तरह से कह सकते हो कि अपर साइड में एक अच्छी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 34,800 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस एक फेस करता हुआ एज कम्पेयर टू ये दोनों से, 34,700 और 34,900 के बीच में एक 34,800 पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। 34,800 के बाद एक ज़बरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस 34,500, एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रखा है 34,800 और एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रखा है 35,000 पे, ये दोनों बहुत ही मतलब एज कम्पेयर टू 35,000 स्ट्रांग है, 34,000 थोड़ा कम है, मगर 34,000 पे यहाँ पर भी एक मतलब मार्केट को रोक सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर 34,000-35,000 तक जा सकता है। ऊपर से देखा जाए तो पुट को भी बाय मतलब कल पुट को भी ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करें तो पुट राइटिंग भी हुई है। मुझे लगता है कि कल एक्सपेक्ट हो रहा है कि मार्केट अपसाइड में ही रहेगा यहाँ वाई चेंजेस के हिसाब से, तो कल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आप मतलब पॉजिटिवनेस चल सकते हैं, पॉजिटिव ही मार्केट को रीड करके चलना है कल के दिन में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले मैंने बता दिया हूँ कि आप अपने से सेल्फ स्टडी डेफिनेटली कीजिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो कि आप भी सेल्फ स्टडी करके आप स्वयं मार्केट के अंदर अपना पैसा बना सकते हो। सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ये अपना पर्सनल व्यू है। कोई भी वीडियो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर